दोस्तों, एलुमिनियम पार्टीशन बनाने का ये हमारा दूसरा पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पूरा यहाँ तक जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, यहाँ तक पूरा मैंने आपको दिखा दिया था कि एलुमिनियम का फ्रेम जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो फ्रेमिंग की पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उससे आगे का हमें क्या काम करना है दोस्तों, अब हमारा रह जाता है इसका डोर। तो पहले हम डोर बनाएंगे, डोर बनाने के बाद में सारी चीज़ें हम जो है वो फिक्स करेंगे, और पूरा आपको लास्ट तक वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा वर्क जो है वो किया जाएगा और पूरा पार्टीशन किस तरीके से तैयार किया जाएगा, और सारे खर्च के बारे में भी आगे आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अभी दोस्तों, जो हमें डोर बनाना है, सबसे पहले मैं आपको डोर की जो कटिंग दिखा रहा हूँ, किस तरीके से इसकी कटिंग वगैरह जो हो रही है, वो पूरा डोर बनकर कैसे तैयार होगा, तो वो भी आप आगे देखेंगे। एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें जो है समझ में आ पाएगी कि एलुमिनियम का डोर भी कैसे बनाते हैं और पूरा पार्टीशन जो है वो कैसे तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है वो आपको बिल्कुल पता चलेंगी। शुरू से आखिर तक वीडियो को दिखा रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। अब दोस्तों, सारे माल की कटिंग जो है वो हो चुकी है, और अभी हमें जो है पूरा डोर बनाना है। जितने भी हमने सेक्शन की जो है वो कटिंग की है, तो उनको बस जोड़ना है। जोड़ने के बाद में पूरी फिटिंग जो है किस तरीके से की जाएगी, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और जो गिलास वगैरह हमारा इस पार्टीशन में फिक्स होना है, या जो LCB शीट वगैरह लगनी है, तो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। आगे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, पूरा वीडियो में दिखा रहा हूँ किस तरीके से वर्क को किया जाएगा।
अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पूरा जो पल्ला है वो तैयार हो चुका है, पूरा डोर तैयार हो चुका है। अभी इसमें हमारा जो कब्जे हैं वो लगने हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो इसके कब्जे हैं वो लगाने के लिए किस तरीके से पूरा काम जो है वो किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। पहले कुछ इस तरीके से कब्जों के निशान जो है वो लगा लेंगे और उसके बाद में ब्लेड से इसकी जो है वो कटिंग कर देंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से कटिंग हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और इस वीडियो से मैं मानता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिलने वाली है। पूरा शुरू से आखिर तक वीडियो को देखते रहें, जो कब्जे हैं वो किस तरीके से लगाए जाएंगे और पूरा डोर की फिटिंग जो है वो किस तरीके से होगी, तो सब कुछ आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोस्तों डोर वगैरह जो है वो बन चुका है और उसको भी हमने फिक्स कर दिया है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो अब हमारा जो फाइनल वर्क रह जाता है वो रह जाता है दोस्तों बीडिंग का। तो बीडिंग किस तरीके से, बीडिंग की कटिंग हो रही है और उसकी जो कलम है वो किस तरीके से बनाई जाएगी, तो वो भी आगे आप इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। बिल्कुल आज पूरा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से पूरा एलुमिनियम का डोर या पार्टीशन किस तरीके से बनाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम पहले जितनी भी हमें बीडिंग काटनी है तो वो सभी बीडिंग काट लेंगे। देखिए मैंने कितनी सारी बीडिंग जो है वो अभी कट कर ली है और इसके बाद में इनकी जो है वो कलम बनेगी। दोस्तों कलम बनाने के लिए आपको इतना बड़ा एक टुकड़ा चाहिए होगा, 3 से 4 इंच का आपका एक टुकड़ा लेंगे एलुमिनियम सेक्शन का, और इसको जो है वो कटर में इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। और जो आपकी बीडिंग है, बीडिंग को कुछ इस तरीके से रखेंगे जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बीडिंग को रखेंगे और कटर से इस तरह आपको जो है वो काट लेनी है। जितनी भी बीडिंग है आपकी जो जिनकी कलम बननी है तो सभी को इस तरीके से पहले कटिंग करेंगे। ये एक बिल्कुल सेफ तरीका है बीडिंग कट करने का, इसमें भी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कुछ हद तक जो वर्क कंप्लीट कर दिया है। ऊपर के जो हमारे ग्लास लगना था जो फिक्स पार्टीशन में, और दोस्तों हमारे डोर में जो ग्लास लगना था वो हमने लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर फिनिशिंग। और उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ हमारी ACP शीट आनी है, तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊँगा। पूरी ACP शीट लगने के बाद में जो पूरा लुक निकल करके आता है इस पार्टीशन का वो कैसा आएगा, तो वो भी आगे आप देखेंगे। और ख़र्च के बारे में दोस्तों अगर आपको बताऊं, तो अगर आप इस तरीके का पार्टीशन कराना चाहते हैं, देखिए जितना साइज़ आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा पूरा बन करके तैयार हुआ है 14 से 15 हज़ार रुपये में पूरा खर्च इसका आया है। लेबर चार्जेस वगैरह विद मटेरियल सब कुछ इसका जो है वो 14 से 15 हज़ार रुपये में ये पूरा हमारा पार्टीशन बन करके तैयार हुआ है, जिसमें हमारे 2 ग्लास हैं और नीचे 3 ACP शीट हैं, 3 से 4 जो भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग का वर्क, आप जो है बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आप देख सकते हैं दोस्तों वर्क में। हैंडल वगैरह और इसका लॉक वगैरह सब कुछ बिल्कुल लग करके जो है वो फिट हो चुका है। मैं आपको अंदर से भी जो दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो चंडीगढ़ और पंजाब में आप वर्क जो है वो करा सकते हैं एलुमिनियम का, जो भी आप काम कराना चाहते हैं विंडो डोर पार्टीशन वगैरह।
या एसीपी शीट का जो भी वर्क है, एसीपी शीट या एसपीएल वगैरह का जो भी आपका वर्क है वो कराना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वर्क जो है वो करा सकते हैं।